मैं कन्हैया कुमार इत्तेफाक से एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि हम किसके घर में पैदा होंगे और किसकी जाति में पैदा होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, मेरे बाप माँ बाप के हाथ में है, इसको हम नहीं तय करते हैं। लेकिन जब वो होता है समाज में तो उसके साथ जो अत्याचार होता है वो उसके आधार पर किया जाता है। उम्र का विचार अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के चलते उसको ज्यादा झेलना पड़ा, ये रियलिटी है। एक ही केस में और एक ही हिंदू के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि क्या अर्थव्यवस्था के आधार पे, जाति के आधार पे आपस में ऊंच नीच है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मिर्चपुर के अंदर दलितों के घर जला दिए गए, झज्जर में दलित परिवार जो कि एक मरी हुई गाय उठा करके ले जा रहा था उसको मार दिया गया। एक मरी हुए गाय की तुलना में दलित की जान की कीमत कुछ नहीं है। उसके बाद तमाम तरीके की एट्रोसिटीज आप देखिए, खास करके जब ये सरकार चुन करके आई है, छोटा छोटा तो रिपोर्ट भी नहीं होता है, जो बड़ी बड़ी घटना हुई है। एक साथी बैठे हुए हैं ऊना के, पुलिस की गाड़ी में बांध करके पुलिस के सामने में थाने में पीटा गया, वीडियो बनाया गया और पीटने वाले के द्वारा ही यूट्यूब पे डाला गया। इसको कहते हैं सत्ता का दंभ, अहंकार है ये सत्ता का। उस अहंकार से ये लोगों के एस्पिरेशन को कुचल देना चाहते हैं और इनको लगता है कि इस पे सवाल नहीं खड़ा होगा। सवाल खड़ा होगा क्योंकि आप असमानता को जबरदस्ती हमेशा के लिए हमारे पीठ पे थोप नहीं सकते हैं। एक जगह है हम समान, हमारी भाषा बोली संस्कृति जाति धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सब इंसान हैं और इस देश के नागरिक हैं, हमको समान अधिकार यह संविधान दिया है, यहाँ हमारी समानता है। और इस समानता पे जो असमानता थोपना चाहते हैं उसके लिए आज जो अर्थनीति अपनाई जा रही है, बात सिर्फ संविधान की ही नहीं है, उस संविधान को बदलने का साजिश भी इसलिए किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो बाजार का लोकतंत्र है उसको खत्म कर दिया जाए। मैं कल माननीय जी का एक फोटो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी का, तो अखबार में वो सचिन तेंदुलकर साहब से हाथ मिला रहे थे, तो वहां एक बोतल रखी हुई थी और बोतल को कवर कर दिया गया था ताकि वो ब्रांड नहीं दिखे। हम भी सीख लिए मोदी जी से, अपना बोतल का ब्रांड फाड़ लिए, हम भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी, पेटीएम का प्रचार आपका थोबरा लगा करके किया जाता है, क्या ये बाजार के लोकतंत्र के खिलाफ है कि नहीं है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप की पीठ बहुत आसानी से सुलभ हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगा, बिना आईडी पासवर्ड का अगर मुकेश अंबानी आपके पीठ पे हाथ रख सकता है, इतना इजी एक्सेसिबल होगा ये, तो बाकी जो प्लेयर हैं, कैपिटलिस्ट ही हैं, शोषण ही करते हैं, उनको नहीं लगेगा कि सरकार को खुली छूट मिली हुई है? तभी तो जियो धन धनाधन हो रहा है और बेचारा बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी का कभी प्रचार डिजिटल इंडिया के संदर्भ में बीएसएनएल को लेकर के नहीं आता है, किसका प्रचार आता है? जियो का। तो इतना जो हमारा बाजार भी गैर लोकतांत्रिक हो गया है उस पर भी बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। और यह जो बाजार का भी गैर लोकतांत्रिकरण किया जा रहा है उसको स्थापित करने के लिए, जिसमें आपने रोजगार की बात की कि गाय की पूछ तुम रखो हमें 2 करोड़ रोजगार दो, इस सवाल को नजरअंदाज करने के लिए ही संविधान को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। और इसकी प्रक्रिया इतिहास में तो जो इन्होंने किया सो किया, एक नया सगुफा हरियाणा की सरकार जब भाजपा की आई तो छोड़ा कि जो 10वीं पास नहीं है वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक बात है, पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग तय कर लेंगे ना, आप क्यों तय कर रहे हैं? हमारा नेता कौन होगा, हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, ये हम तय कर लेंगे, आप कौन होते हैं तय करने वाले? ये अधिकार जिस दिन आप सत्ता और सरकार को दे देंगे, संविधान की जो बुनियादी चीज है उसके साथ समझौता करके, तो कल को ये कहेंगे कि सबको वोट देने का भी क्या जरूरत है। जब मूर्ख नेता जिसके पास डिग्री नहीं हो वो देश नहीं चला सकता है, तो मूर्ख जनता जिसके पास डिग्री नहीं हो वो नेता चुन कैसे सकता है? कल को आपका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। और याद कीजिए कि जब अंग्रेज थे यहाँ पे तो सबको वोटिंग राइट नहीं था,
वैसे जमींदार ही वोट दे सकते थे जिनके लिए लगान देने की एक सीमा तय की गई थी। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो कहा, गोरा हो या काला हो, अमीर हो या गरीब हो, ऊंच हो या नीच हो, महिला हो या पुरुष हो, सबका वोट बराबर होगा। यह जो बराबरी का सिद्धांत है, उस बराबरी के सिद्धांत को आप बदल देना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका परिवार गैर बराबरी पर टिका हुआ है। इसीलिए तो आपने कहा एक नया गाइडलाइन आने वाला है कि हम लोग अपनी पत्नी के साथ कैसे सोएंगे और फिर कैसा बच्चा पैदा करेंगे, ये गाइडलाइन आने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, और ये अपनी बुद्धि से नहीं बोलते हैं, ये बात मैं आपको कह देता हूँ। ये अपनी बुद्धि से अपना ड्रेस नहीं चुन पाए भैया, काली टोपी मुसोनी से ले लिए और हाफ पेंट कॉपी कर लिए यूरोप से, ये बात इनके दिमाग में है ही नहीं। जब हिटलर में जर्मनी में हिटलर का शासन था, हिटलर में जर्मनी सुनाई देता है, जैसे आजकल मोदी जी में देश सुनाई देने लगा है, तो वहां पे ये था कि जो नाजी लोग हैं उनकी रेस की प्योरिटी कैसी बनी रहेगी उसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाता था। आजकल आरएसएस भी ऐसा सोच रही है कि कैसे जो है रक्त की शुद्धता, अरे भाई वंदे मातरम की बात करते हो ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। इस देश की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति घुली मिली है आपस में, यहाँ शुद्धता की बात बेकार है, और इसी शुद्धता की बात को बेकार करने के लिए हम लोग भी एक साथ आ गए हैं कि ज्यादा वैचारिक शुद्धता जो है वो लड़ाई को बहुत पीछे छोड़ देती है, वैचारिक शुद्धता को रखने देते हैं, जो गोल है, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है उसको आगे लेकर के आते हैं, वो जो मोटिवेशन है उसको आगे लेकर के आते हैं, और ये जो शुद्धतावाद है इससे बाहर निकलने की जरूरत है, और इस शुद्धता को वो फैलाना चाहते हैं। और एक एक सवाल जो संविधान के एक एक आर्गुमेंट्स लिखे गए हैं वो सबको खत्म करना चाहते हैं। हमला सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के ऊपर नहीं है, हमला सिर्फ समाजवाद के ऊपर नहीं है, हमला समानता के बुनियादी सिद्धांत के ऊपर है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और हिंदुओं के ऊपर ज्यादा बड़ा हमला है, ये बात समझनी होगी तुमको, क्योंकि मुसलमानों का आदराइजेशन करना बहुत आसान है कि ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, हम सब मिलकर के उनके ऊपर अत्याचार कर देंगे, ये बहुत इजी काम है। ज्यादा जो काम इनको करने में मुश्किल हुई है वो ये हुआ है कि हिंदू धर्म के अंदर जो एक स्ट्रेटिफिकेशन है उसको कैसे एक बनाया जाए। इसीलिए मुसलमानों के ऊपर हमला करने से ज्यादा बड़ा एजेंडा इनका है एकल हिंदुत्व का, और ये एकल हिंदुत्व एक झूठ है, क्योंकि शायद हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे भगवान का कोमोडिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे आज कभी प्रेम लव जिहाद की बात हुई, जैसे प्रेम का कोमोडिफिकेशन कर दिया गया कि बस 14 फरवरी को गुलाब दे दीजिए, आपका प्रेम पक्का, बाकी 364 दिन आप उससे झगड़ा करते रहिए। ये जो आपकी जो भावना होती है, आपकी जो चाहत होती है, उसको बाजार के हवाले कर दिया जाता है। आजकल भगवान को भी बाजार में बिठा दिया गया है, और भाई हमारी दादी, हमारी माँ, हमारे रिश्तेदार, किसी ने भी आरएसएस को ठेका नहीं दिया कि तुम हमारे लिए राम मंदिर बना दो, क्योंकि उनका सीधा मानना है कि राम तो हमारे अंदर है, हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें राम का विचार झलकना चाहिए। राम परोपकारी थे, जनता के बारे में सोचते थे, तो वो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। वहीं जाकर के मंदिर बनाएंगे जहां एग्जैक्टली पता नहीं बाबर भी खुद से मस्जिद नहीं बनाया होगा, वहीं उसी को तोड़ करके मंदिर बनाएंगे, तभी जो है रामराज स्थापित होगा। ये बात बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आती। सुबह सुबह जब उठते हैं लोग तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं हमारे यहाँ बातचीत में। अब हम लोग थोड़ा मुंबई और महाराष्ट्र वैसे भी बहुत आगे बढ़ा हुआ ये प्रदेश है, तो हम लोग कॉपी करते हैं इसको, तो यहाँ की जो सिनेमा है उसको कॉपी करने लगे, रिंकी चिंकी पिंकी इस तरीके का नाम हम लोग रखने लगे। नहीं तो पहले नाम भी होता था हमारे यहाँ, राम खिलावन, राम उदित, इस तरीके का नाम होता था, लोगों के नाम में राम होते थे। लेकिन वो राम और आरएसएस के जय श्री राम में बहुत गहरा फर्क है। ये जो लोगों के राम हैं, हिंदुओं का जो अपना एक धर्म है, एक संस्कृति है, उसको भी छीना जा रहा है। और ये बात हमने कल कही कि इस बार रामनवमी में कलकत्ता के अंदर ये नारा लगाया गया, ना दुर्गा ना काली, जय श्री राम बजरंग बली। मतलब
भगवान के भीतर भी जेंडर जस्टिस नहीं रहने देंगे, सिर्फ पुरुष होंगे वहां। ये जो इनकी सोच है, इस सोच को हमको बारीकी से समझने की जरूरत है कि ये ना सिर्फ हमसे हमारा आर्थिक अधिकार छीन रहे हैं, हमारा उपासना का जो अधिकार है, हम नहीं जाना चाहते हैं भाई 200 किलोमीटर अयोध्या में राम के पास, हमारे घर में ही राम है, उन्हीं का पूजा कर लेंगे। नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे और उस पर आपको जबरदस्ती बिठाएंगे, जैसे आजकल आपको प्रीमियम टिकट कटाना पड़ता है, जहां 500 रुपए में टिकट खरीदते थे वहां आपको 5000 रुपया देना पड़ता है, उस बुलेट ट्रेन में चढ़ा बैठा करके जबरदस्ती गंगा जल का एक डिब्बा आपको 50 रुपए एक लीटर जो है पकड़ा करके एक जाओ और चढ़ा करके जाओ, तभी तुमको सिद्ध करेंगे कि तुम हिंदू। कणकण में राम बसे होते हैं, ये हिंदू धर्म की बात है, कणकण में राम है। जब कणकण में राम है तो क्यों किसी और की जो है धार्मिक स्थल को तोड़ करके जो है हम राम मंदिर बनाए? अगर हम राम भक्त हैं तो हम तो ये समझेंगे कि मस्जिद में भी राम है, क्योंकि जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं वो तो यही समझते हैं कि यह पूरी कायनात जो है उसको अल्लाह ने बनाया है, हर जगह जो है अल्लाह है। लेकिन वहां भी कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जिनको खुदा हाफिज से बड़ी दिक्कत होती है, उनको अल्लाह हाफिज ही बुलवाना है। अरे भाई, हमारे और खुदा के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? इसीलिए इस देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के ऊपर हमको बार बार बात करनी पड़ेगी। हमको कबीर के पास जाना पड़ेगा, हमको नानक और बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अशफाक उल्लाह खान के पास जाना पड़ेगा, हमको भगत सिंह और गांधी के पास जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने आ खड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन और संघर्ष खड़ा किया था उसके चलते ये संविधान बना, और इस संविधान के चलते जो हमको अधिकार मिले थे उन अधिकारों को आज छीना जा रहा है, और इस अधिकारों को छीनने की साजिश आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, संघ परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और ये परिवार नहीं है, जातिवादियों का अड्डा है, मनुवादियों और पितृसत्तात्मक सोच रखने वालों का अड्डा है। ये बात हमको पूरी जोर से, पूरी मुस्तैदी से और मुखालपत की उस स्प्रिट के साथ बोलना पड़ेगा। ये स्थिति आज हमारे सामने है। अगर ये हम बोलने के लिए तैयार हैं, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि हमने कहा कि बात बहुत होती है, प्रधानमंत्री भी मन की बात करते हैं, और जो है तहसीम साहब बोल के चले गए कि काम की बात कीजिएगा, तो हमारे यहाँ एक बात और कही जाती है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। वो ठीक बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एकला चलोड़े, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अकेला नहीं चलेंगे, सब मिल के चलेंगे और सच में सबका साथ सबका विकास को लेकर के संघर्ष करेंगे। और जो हिंसा का नॉर्मलाइजेशन इस देश के अंदर किया गया है उसको समझाएंगे कि हिंसा क्या होता है, क्या हालत इस देश के अंदर पैदा की गई है। कश्मीर में उमर फयाज को गोली मार दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, और फिर उसी की आवाज जिस परिवार से वो बच्चे निकल करके फौज में नौकरी करते हैं, उन्हीं परिवार से निकल करके पढ़ने लिखने वाले लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं। जब अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में तो एक टीवी है वहीं से ये रिपब्लिक निकला है, हाँ, टाइम्स नाउ, तो उस टाइम्स नाउ से जो है रिपब्लिक निकल के आया है, हालांकि उससे जो है डिक्टेटरशिप निकलना चाहिए था, पता नहीं रिपब्लिक कैसे निकल गया। धोखा है, भ्रम जाल है, कोई बात नहीं है, फेरन लकड़ी लगाने से कोई घोड़ा नहीं होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो भी हमको दिखाया जा रहा है वो सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अमरीश पुरी हर फिल्म में खलनायक का रोल करते थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छा इंसान थे। तो जो दिखाया जाता है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारा जादूगर जो है इस देश की स्थिति कब का बदल दिया होता, क्योंकि हमारा देश जादूगरों का देश है। तो जादू दिखाने के लिए होता है, उससे कुछ होता नहीं है। तो ये जो दिखाया जा रहा है, हम लोगों को समझाया जा रहा है, उसमें उस टीवी ने यह सवाल पूछा कि वेयर इज कन्हैया। हमने कहा अरे यार पूछो वेयर इज गृह मंत्री, वेयर इज होम मिनिस्टर। ये सवाल एक स्टूडेंट से पूछने की बजाय आप इस देश के गृह मंत्री और तथाकथित 56 इंच के सीने से क्यों नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ? सीना था कि जो है वो लेज का पैकेट था जो इतना खुला हुआ दिखाता, और जो खोलेंगे तो इतना अजीब से होता। एकदम कुरकुरे लेज, इतना बड़ा बड़ा पैकेट, उसको खोलिएगा 40 रुपया लेगा और उसमें जो है चार दाना चिप्स है। तो 56 इंच से पूछो भाई कि क्यों जवान के सर काटे जा रहे हैं और आपका बिरयानी खाना जारी है। क्यों इस देश के लोग
मारे जा रहे हैं, सीमाओं पे, खेतों में, विश्वविद्यालयों में और कारखानों में, और इससे तो स्थिति और ज्यादा वर्स्ट हो गई कि आजकल जब कुछ नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि कम से कम प्रेम तो है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, जानते हैं, हालांकि हम लोगों को तो नौकरी मिल जाती थी, अब ये तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार हम देशद्रोहियों को नौकरी ना दे अलग बात है, लेकिन हम जेएनयू वालों को मिल जाती थी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि पहले इतिहास ऑनर्स वालों को नौकरी मिलना बंद हुआ, फिर बीकॉम वालों को, पता है आजकल नंबर किसका है, आजकल आईआईटी वालों का नंबर चल रहा है। और हम कहते हैं कि आज अगर नहीं सुधरे तो कल आपका नंबर ही आएगा, चिंता मत कीजिए। आज पहलू खान मारा जा रहा है, कल को जो है रामनारायण पांडे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बंटवारा है समाज का, वो एक खास तरीके के लोगों को कुर्सी पे बिठाने के लिए किया जा रहा है। उसमें जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, उनको दलितों का सवाल समझना होगा, उनको अल्पसंख्यकों का सवाल, महिलाओं का सवाल, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का सवाल और अकलियत के सवाल को मजबूती से उठाना पड़ेगा। ये स्थिति आज हमारे सामने है, इसीलिए यूनिटी की जरूरत है। तो समझ नहीं रहे थे, सबसे ज्यादा हालत खराब आईटी सेक्टर के अंदर है, जो बूम पे था, और वो बूम क्यों जो है नीचे गया है, क्योंकि ट्रंप आ गया है। और याद कीजिएगा, यही मैं भक्त नहीं कहता हूं उनको, पता है क्यों? भक्ति करनी होगी तो भगवान की करेंगे, किसी इंसान की क्या भक्ति करेंगे, वो तो हमारी तरह इंसान है। तो मैं इनको भक्त नहीं कहता, मैं इनको चापलूस कहता हूँ। ये चाटुकार हैं और ये परंपरा इनकी बहुत पीछे से चली आ रही है। लेटेस्ट न्यूज यही है कि अंग्रेजों की चापलूसी में जो है बहुत आगे थे, और आजकल दो चार लोग पकड़ा गया है मध्य प्रदेश से, नाम जानते होंगे, ध्रुव सक्सेना आईएसआईएस की जासूसी कर रहा था, तो आजकल पाकिस्तान से भी इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए हर बात पे हम लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, टूरिस्ट डिपार्टमेंट चला रहे हैं, टूरिज्म बस सर्विस। तो ये जो है इनकी चापलूसी की परंपरा है, चारण्य परंपरा बोलते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी अगर बोले तो चारण्य परंपरा के जो लोग हैं, इनकी जो चाटुकारिता चल रही है उसमें मैं इनको भक्त नहीं कहता हूं। तो इन चाटुकारों ने कहा कि क्या बात है, सच में हम जो है विश्व गुरु बन गए। हम बोले कैसे भैया? बोला हमने जो गलती 2014 में की अमेरिका अब कर रहा है। बोले अच्छा, मतलब ट्रंप जी जो है मोदी जी से ही सीखे। बोला एकदम। और जो ही ट्रंप जीता, आप देखे होंगे फोटो आया होगा, ट्रंप का फोटो लगा करके उसको लड्डू खिला रहे। हम बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी कॉग्निजेंट ने कहा है कि हम भारत में नौकरियां बंद करें। मैं आईटी सेक्टर के अंदर जॉब की बात कर रहा हूं। क्यों नौकरी बंद करेंगे? क्योंकि ट्रंप बोला है कि रोजगार हमारे देश में होना चाहिए, गुड़गांव में बैठ करके अमेरिका के लिए नौकरी नहीं होगी। तो नौकरी किसका जाएगा? बीटेक वालों का। हमको तो कभी कंसीडर ही नहीं किए भैया, हम इतिहास ऑनर्स वाले हैं, इतिहास पढ़ करके क्या करेंगे। तो लोगों ने कहा चलो कॉमर्स पढ़ लेते हैं, कहा कि कॉमर्स हिसाब किताब बहुत हो गया, ठीक है अब हिसाब किताब भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर कर देता है, इसलिए अकाउंटेंट हमको चाहिए ही नहीं। तो कॉमर्स वालों की नौकरी गई, फिर बीटेक वालों का नंबर आया। और स्थिति ये है, सहला भी बीटेक की हुई है, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 7 लाख इंजीनियर औसतन पैदा होते हैं इस देश में। सरकार का आंकड़ा है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ पिछले साल। इस बार पता है आईआईटी और आईआईएम में 66% रोजगार हुआ। इसका मतलब 18 लाख रुपया दे करके जो आईआईएम से एमबीए किए हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ह्यूमन लेबर को इतना जो है नीचे स्तर पे गिरा दिया गया, उसकी कोई डिग्निटी ही नहीं है, इस लेवल पे उसको लेकर के चला गया है। तब जो ये ट्रंप को लड्डू खिला रहे थे उनसे पूछेंगे कि अच्छा दिन आया कि वो भी 15 लाख की तरह जुमला था। ये जो स्थिति है देश के अंदर, उस बात को हमको समझना पड़ेगा कि वो बुनियादी सवाल है, आत्मसम्मान की बात, सबको रोजगार की बात और सबको शिक्षा की बात। मुझे याद आती है मेरे बचपन में कहा जाता था आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बकवास बंद करो, पूरी शिक्षा पाएंगे और पूरी रोटी खाएंगे, ये सब समझाना बंद करो। ये जो बात है ये हमको भ्रम में डालने के लिए, हम इस देश के नागरिक हैं, देश देश